जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की बाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, मैं आपको परेशानी दूर करने के उपाय जरूर बताऊंगी। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म का समय सही समय दें कि आपका जन्म सुबह में हुआ है या शाम में। आपकी मदद जरूर की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं दे पाऊंगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर का पूरा विवरण हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में आपको देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। शादी को लेकर केवल लड़के और लड़कियां परेशान नहीं रहते बल्कि उनके माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों की शादी कब होगी। हालांकि शादी ऊपर वाले की कृपा से ही होती है, उन्होंने सबकी जोड़ियां बनाई हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसकी भविष्यवाणी भी की जाती है। इसी आधार पर आज मैं आपको कन्या राशि के लड़के और लड़कियों की शादी किस महीने में होती है इस बारे में बताने जा रही हूँ, तो आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कुछ लोग नाम अनुसार अपनी राशिफल देखते हैं। अगर आपका नाम पिंकू, पिंटू, प्रकाश या प्रियंका है तो आप खुद ही राशि कन्या मान लेते हैं। इसी आधार पर आप अपनी भविष्यवाणी देखते हैं, जबकि राशि जन्मदिन के अनुसार तय की जाती है। ऐसे में आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती, इसीलिए कभी अपने नाम से राशिफल ना देखें बल्कि अपने जन्मदिन के अनुसार राशिफल देखें। अगर आपको अपनी राशि के बारे में नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्मदिन मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी राशि क्या है। इसके साथ ही कुंडली देखकर भी राशि बताई जाती है, लेकिन इस राशि से नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि धर्मशास्त्र में कुंडली राशि को केवल माता पिता को पता होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि की शादी किस महीने में होती है। अंक ज्योतिष गणना के अनुसार 24 अगस्त से 22 सितंबर को जिनका जन्म होता है उनकी कन्या राशि होती है। अगर आपके माता पिता ने पी से आपका नाम रखा है और आपका जन्म इस तारीख में नहीं हुआ तो आपकी राशि कन्या नहीं है। कन्या राशि के लड़के और लड़कियों की शादी में जल्दबाजी नहीं होती क्योंकि इनके आराध्य देव गणेश जी हैं जो इनका शुभ करते हैं। इस राशि के लड़के और लड़कियों की शादी मैच्योर होने के बाद ही होती है। अगर आप कन्या राशि हैं तो आपको शादी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इस राशि की शादी 27 साल के बाद और 32 साल से पहले हो सकती है, जबकि कन्या राशि के लड़के और लड़कियों की शादी मार्च, जुलाई और अगस्त में हो सकती है और दिन बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार हो सकता है। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। तो दोस्तों,
इस तरह के और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे।